केंद्रीय युवा केंद्र ने शनिवार को पोर्ट ब्लेयर के यूथ हॉस्टल में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेविकों के प्रारंभिक और प्रबोधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और जिसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद राय ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बनेराम में सह आचार्य डॉक्टर कंदी मृत्यु ने स्वास्थ्य समाज और स्वस्थ समाज में बेहतर लोगों के निर्माण के बारे में बताया। उन्होंने स्वयं सेवकों को युवा क्लब के साथ बैठक आयोजित करने के लिए लोगों को अभी प्रेरित करने पर भी बल दिया है। पोर्ट ब्लेयर के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वय कुंदन लाल ने उपस्थिति का स्वागत किया और जबकि रंगत के जिला युवा समन्वय अल्फ्रेंस टेम्पो ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। नेहरू युवा केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से ये इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो नेशनल यूथ ऑलिंस के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ट्रेनिंग जो रिफ्रेशर को ट्रेनिंग है वो 7 दिन का है, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग है वो 15 डेज का है। इसमें कांडिकुबार, कमोटा, कैंबल बे, रंगत, पोर्ट ब्लेयर और डिगलीपुर के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने 7 दिन का जो ट्रेनिंग है वो पिछले साल 15 दिन का ट्रेनिंग करे थे और इनको हमने बुलाकर 7 दिन के अंदर और क्या क्या रिफ्रेशर के अंतर्गत और कैसे चेंज करना चाहिए, किस तरह का बदलाव करना चाहिए और प्रोग्राम को कैसे यूथ क्लब और युवती मंडल में पहुंचाना है और यंग ग्रुप को हम कैसे युवाओं को जिनका एज ग्रुप 15 से लेकर 29 होता है उन लोगों को हम अपने साथ जोड़े और जो सरकार की जो स्कीम है और सरकार की जैसे लीडरशिप क्वालिटी है, टाइम मैनेजमेंट है, कोर प्रोग्राम्स है, कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम्स है और कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, हम किसी के सामने कैसे अपने बात को रख सके और कैसे हम किसी को इंडिकेशन करें कम्युनिकेशन के माध्यम, ऐसे ऐसे कार्यक्रम है और जो इनको हम इनके साथ में खुलेआम चर्चा होगा जैसे सांसद में होता है उस तरह का काम यहाँ पे होगा और इनका एक्सपीरियंस हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे और इनका एक्सपीरियंस हम लेंगे कि और हम क्या कर सके। इस तरह का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।